हमेशा हमें पढ़ाया गया है कि 7वीं सदी में प्रथम बार अरबी मलेच्छों का आक्रमण हुआ था और फिर वे चले गए और 400 वर्षों तक वापस नहीं आए। परंतु हमें यह नहीं बताया गया कि वे अरबी लुटेरों को किसने भगाया, वे वापस क्यों नहीं आ पाए, कौन था वह दुर्ग जो इनके निरंतर आक्रमणों का शौर्य और पराक्रम से प्रतिकार कर माँ भारती की रक्षा करता रहा। 6वीं सदी में अरब में उभरी एक नई मजहबी सोच ने उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी रोमन, फारस, ईरान और स्पेन को भी जीत लिया था। अब उनकी आंखें हिंदुस्तान पर थी। उन्होंने गांधार, मकरान जैसे पश्चिमी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। उन प्रदेशों को जीतने के बाद अब वे सिंध पर निरंतर आक्रमण करने लगे। वर्ष 643 से लेकर वर्ष 712 तक किए गए 12 आक्रमणों में वे अरबी लुटेरों ने सिंध से मुंह की खाई। परंतु वर्ष 712 में अरबी खलीफा वालिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर फिर से आक्रमण कर सिंध के राजा दाहिर को छल से पराजित किया। युद्ध भूमि के पास स्थित झील के किनारे कुछ अरबी सैनिक स्त्रियों की वेशभूषा और आवाज में रुदन करते हुए चिल्लाने लगे। राजा दाहिर देश की माँ बेटियों की रक्षा के लिए शीघ्र वहाँ पहुँचे और हाथी पर सवार अकेले राजा दाहिर पर वे अरबी लुटेरों ने अग्निबाण की वर्षा की और वह माँ भारती का सपूत सदा के लिए सो गया और भारत में इस्लामी आतंक ने अपना सिर ऊंचा किया। अनेकों अत्याचारों से सामान्य जन कराह उठा, अनेकों लोग विस्थापित हो रहे थे। इस्लाम में जबरन धर्मांतरण, पूजा स्थलों मंदिरों के विध्वंस, प्रांत की युवतियों को खलीफा की भोगदासी बना के भेजा जाना जैसे अकल्पनीय अमानवीय कृत्य आम हो रहे थे। भारतीय संस्कृति का विनाश होते हुए देख संस्कृति के अस्तित्व के लिए निरंतर कार्यरत लकुलिश मत में दीक्षित महर्षि हरित द्रवित हृदय से पुकार उठे, भारतवर्ष की भूमि पर एक ऐसा योद्धा आएगा जो इन अरबी मलेच्छाक्रमणकारियों को यहाँ से खदेड़ देगा। और शिव भक्त महर्षि के इन शब्दों पर मानो महाकाल के प्रसाद के रूप में वर्ष 713 में बालक काल भोज का जन्म हुआ। उनके पिताजी आज के गुजरात के उत्तर में स्थित इडर प्रांत के नरेश महेंद्र थे। उस समय वनवासी समाज के साथ उनके अनबन के चलते हुए युद्ध में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कालभोज का दायित्व अपने पुरोहित को सौंप उनकी माता जो चित्तौड़ के राजा मानसिंह मौर्य की बहन थी उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। पुरोहित ने लगभग 3 वर्ष के बाल कालभोज को कुछ समय के लिए भांडेर के किले पर रखने के बाद उदयपुर के समीप नागदा में ले जा अपनी पहचान छिपाते हुए सामान्य जन के बीच वे जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद यहाँ पर ही एक लिंगजी के पास एक बार गायों को चराते हुए कालभोज की भेंट एक अद्भुत ऊर्जा वाले महर्षि हारित से हुई और कालभोज उनके शिष्य के रूप में उन्हें समर्पित हुए। महर्षि हारित ने वर्षों तक कालभोज को जीवन के अनेकों पासों में प्रशिक्षित कर उनके प्रभावी व्यक्तित्व को हीरे की भांति प्रकाशित किया। ऊंची कदकाठी, सुदृढ़ शरीर, शौर्य और नेतृत्व क्षमता के पर्याय ऐसे कालभोज को वहाँ के वनवासियों ने तो अपना राजा मान लिया। समय आने पर एक दिन महर्षि हारित ने कालभोज से कहा, परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी कि तुम्हें चित्तौड़गढ़ का राज्य मिलेगा, पर तुम्हारा लक्ष्य राज्य नहीं बल्कि अरबी मलेच्छों को यहाँ से खदेड़ना होगा और कालभोज पर विदेशी अरबी लुटेरों को इस पुण्य भूमि से उखाड़ फेंकने का दायित्व सौंप वे सदा के लिए अंतर ध्यान हुए। पुरोहित ने भी कालभोज को उनकी वास्तविकता तथा चित्तौड़ के राजा से उनके संबंध के बारे में अवगत कराया। अब वे अपने मामा और चित्तौड़ के राजा मानसिंह मौर्य के समक्ष अपने वास्तविक रूप में उपस्थित हुए और राजा ने उन्हें एक बड़ी जागीर का सामंत बनाया। अपनी विलक्षण प्रतिभाओं और धर्मनिष्ठा के बल पर कालभोज का प्रभुत्व राज्य में बढ़ता जा रहा था और उन्हें लोग बप्पा रावल के नाम से संबोधित करने लगे। उस ओर कई कारणों से अपने ही राज्य में राजा मानसिंह मौर्य के अनेकों शत्रु खड़े हो गए और राज्य पर मानसिंह मौर्य की पकड़ ढीली हो रही। ऐसी परिस्थितियों में लगभग वर्ष 734 में बप्पा रावल ने अरबी मलेच्छों को खदेड़ने के एकमात्र लक्ष्य पूर्ति के लिए राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चित्तौड़गढ़ का शासन अपने हाथों में ले लिया और वे चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ वंश के प्रथम दीवान बने, क्योंकि राजा तो स्वयं महाकाल एकलिंग जी ही थे। उस ओर अरबी लुटेरों ने चवनों, मौर्यों, सैंधवों, कलेच्छों को भी हराकर उनके प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। गुर्जर के सीमा प्रदेश, जैसलमेर
तथा अजमेर के क्षेत्रों पर भी निरंतर आक्रमण करते रहते थे। अब गुरुवाणी को आदेश मान बप्पा रावल ने अरबों से निपटने के लिए कार्य शुरू किया। भारतवर्ष की धरा के अन्य क्षेत्रों पर उन अरबी लुटेरों की उपस्थिति तथा उनकी शक्ति का आकलन किया। अपनी सेना को संगठित कर प्रशिक्षण, शस्त्र और आर्थिक रूप से सशक्त किया। गुप्तचर तंत्र को अत्यंत सतर्क तथा अधिक प्रभावी बनाया। अन्य प्रभावित राज्यों से संधि भी की। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट ने मात्र सैन्य शक्ति ही नहीं परंतु आर्थिक सहायता, गुप्तचर तंत्र, पशुधन, भूगोल माहिती गण जैसे युद्ध के कई मोर्चों पर बप्पा की अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता की। जैसलमेर, अजमेर के नरेश तथा अन्य राजपूत समूहों से संधि कर संगठित हिंदू सेना तैयार की। अब बप्पा ने योजना के भाग रूप सिंधु नदी के उस पार के सिंध प्रदेश में अरबी शासक जुनेद के बाद बैठे तमिम के राज्य में व्यापार करने की आड़ में युद्ध प्रशिक्षित कई घोड़े और उनके अधीक्षकों के रूप में कई योद्धाओं को सिंध प्रदेश में प्रवेश करवा दिया और वहां पर अरबी मलेच्छों के नाक के नीचे ही बप्पा की सेना का एक दल तैयार हो गया। दूसरी ओर बप्पा ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। अरबी सेना भी प्रतिकार के लिए युद्ध में उतरी और उस समय बप्पा ने योजना के अनुरूप सेना के साथ युद्ध भूमि से पीछे हट करना आरंभ कर दिया और अरब मलेच्छों की सेना अपनी राजधानी अलोर से काफी दूर आ पहुंची और तब बप्पा ने पूरी ताकत से अरबों पर आक्रमण कर दिया। उस ओर सिंध प्रदेश में व्यापार की आड़ में पहुंचे राजपूत योद्धाओं के दल ने पीछे से भी आक्रमण कर दिया। युद्ध भूमि में राजपूतों के हर हर महादेव के नारे के साथ उनकी उन जिहादियों के रक्त की प्यासी नंगी तलवारों के बीच अरबी सेना पिस गई। कई मलेच्छ सैनिक प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कईयों ने आत्मसमर्पण किया। संगठित राजपूत तलवारों ने अरबों को उल्टा दौड़ाया और वर्षों के बाद सिंध पर भगवा लहराया। यह देख सोए हुए हिंदुओं का रक्त गर्म हो गया। गाँव में हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। सिंधु नदी के तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। गुरु तथा बलिदानियों को स्मरण कर फूल समर्पित किए गए। भारतवर्ष में फिर से हिंदू सूर्य प्रकाशित हुआ था। बप्पा ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया। कई निर्माण कार्य किए। उनके द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों से उनके सूर्यवंशी होने के भी संकेत मिलते हैं। मूर्ति पूजा का पुनः आरंभ हुआ। उन अरबी लुटेरों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों का जीर्णोद्धार कर भव्य मंदिर बनवाए गए। बप्पा का विजय रथ दौड़ने लगा और सिंध के बाद बप्पा ने गांधार, खुरासान, तेहरान, ईरान, इराक तक जीत लिया। गजनी के सलीम को भी परास्त किया। मेवाड़ के साम्राज्य का भगवा अब अरब के रेगिस्तान तक गर्व से लहराने लगा। बप्पा के खौफ के कारण कई अरब राजाओं ने अपनी पुत्रियों का विवाह बप्पा से करवा दिया। बप्पा ने न मात्र प्रदेशों को जीता बल्कि अरबी मलेच्छों की आतंकी छाया भारतवर्ष पर न गिरे उस हेतु से उन्होंने नियमित अंतर पर विशाल सैन्य चौकियां बनवाई ताकि उन लुटेरों की हरकतों पर नजर रखी जा सके। आज के पाकिस्तान का प्रसिद्ध नगर रावलपिंडी भी उन्हीं भगवा लहराती चौकियों में से एक सैन्य चौकी का नाम था। अरबी खलीफाओं की आक्रमणकारी नीतियों पर अंकुश लगा और उनके लिए काफिर हिंदुस्तान को रोंद मुसलमान बनाने का उनका लक्ष्य बप्पा ने ध्वस्त कर दिया। लगभग 20 वर्षों तक माँ भारती की सेवा करने के बाद जीवन कार्य पूर्ण होने पर भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों पर चलते अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगभग 40 वर्ष की आयु में सुदृढ़ स्वस्थ मेघावी बप्पा वानप्रस्थ और तदुपरांत संन्यास ग्रहण कर एकलिंग जी की सेवा में विरक्त हो गए और 97 वर्ष की आयु में अपने प्राण त्याग दिए। आज नागदा में एकलिंग जी से 1.5 मील की दूरी पर स्थित उनका स्मारक देख हमारा भव्य इतिहास आंखों के समक्ष जीवंत हो जाता है। हिंदू सूर्य राजगुरु चक्रवर्ती बप्पा रावल, जिसने शौर्य से अपनी तलवार भारत माँ के सम्मान के लिए रक्त में लाल तो की ही परंतु दुश्मनों के घर में घुस कर केसरिया फहरा इतिहास रच दिया। इतिहास का वह पन्ना जब पराक्रमी धर्मनिष्ठ बप्पा रावल के दिए गए अतुल्य योगदान के कारण ही अरबी लुटेरों को दिल्ली तक पहुंचने में 400 वर्ष लग गए और दुर्भाग्यवश हमारे ही इतिहासकारों द्वारा यह अत्यंत गर्वित पन्ने को मिटा दिया गया।